निकल पड़े हैं फिर से अगले सफ़र के लिए, और यह है आज सफ़र का आखिरी दिन, चौथा दिन है दिल्ली से मुंसारी टूर का। रात में हम रुक गए थे थामा में, जहाँ हमारे एक दोस्त को लग गई थी चोट, तो हमें ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुकना पड़ा, नहीं तो हमारा प्लान था कि हम बागेश्वर तक कम से कम ट्रेवल करें। पर कोई नहीं यार, जो भी होता है, हमें रुकना पड़ा थामा, और वहाँ पर हमने लिया था एक होम स्टे जो कि हम आपको दिखा चुके हैं। और अब है सुबह की, अगर अब बज चुके हैं 6:35, और हम जा रहे हैं थामा से बागेश्वर की तरफ। अच्छा रोड है यार, जिस रोड से हम आए थे रात में उससे तो लाख गुना अच्छा रोड है, और सुबह का टाइम है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। वो कहीं कहीं पर रोड थोड़ा सा खराब पैच दिख रहा है, हमारे दो साथी थोड़ा सा आगे निकल गए हमसे, तो हमें उनको भी कवर करना होगा। पर आप अभी तो एक बार व्यू देख लो यार, सुबह का टाइम है 6:30 का, बिल्कुल घने जंगल के बीच से ये रोड निकलती है, और बहुत ठंडी हवा चल रही है। जून का महीना है दिल्ली में, शायद आपको इतनी ठंड महसूस भी नहीं कर पाओगे इस टाइम पर, बहुत ठंड है। रोड थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है तो बाइक को हम खींच सकते हैं। ओहो, तो आज है सफ़र का आखिरी दिन, और हमारा आज का टारगेट है दिल्ली का। सुबह 6:30 के अप्रोक्स हम निकल चुके हैं यहाँ से। पहला हमारा स्टॉप रहेगा बागेश्वर, जाके हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, पर पहाड़ी रास्ता है तो हमें कम से कम 2 घंटे, तो 2 से प्लस घंटे लगेंगे, क्योंकि आज अपने भाई लोग भी जोश में अच्छी खासी बाइक चला रहे हैं। कल ये दोनों लोग थक चुके थे बहुत ज़्यादा। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा रहे और किसी को चोट उठ ना लगे, हम इजीली सेफली अपने घर पहुंच जाएं। और ये देखो यार, ठंडी ठंडी हवाएं, पाँव में मैंने सॉक्स पहने, उसके बाद भी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। बंद कर दे, फिर आगे से कर लेंगे। तो यहाँ चलाते हुए आपको थोड़ी सी जो एक बात ध्यान में देनी है, क्योंकि ये रोड है बहुत स्मूथ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सब चलते हैं तेज, और आते हैं बंदे यहाँ पर कार या अपने फोर व्हीलर से दिल्ली और यूपी से, मुरादाबाद रामपुर वगैरह से, तो कार चलाते हैं वो लोग बहुत तेज, और बहुत ज़्यादा पहाड़ के एबिचुअल होते नहीं, तो वो अपनी लेन क्रॉस कर जाते हैं, तो इसलिए आपको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। हॉर्न जरूर दें मोड़ पे, अगर बिल्कुल ब्लाइंड मोड़ है तो। चलो जी, पर व्यू यार बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा, एक परफेक्ट वेदर है अभी बाइकिंग के लिए, हल्की सी ठंड है, दिख गया हमें, पता नहीं कैमरे में आया नहीं आया। ये है एकदम ब्लाइंड मोड, जगह का नाम। ओ हो, ढाल भी है, रोड पर बहुत ही स्मूथ है यार। तो आज निकल, आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट के कम से कम 10 या 12 किलोमीटर हमने 20 की स्पीड में क्रॉस किए हैं, इतना गंदा रोड था, रोड ही थी बीचों बीच में, और बिल्कुल एक तरफ तो गहरी खाई है, तो वहाँ तो वैसे ही देखने में डर लग रहा था, और पत्थर बिखरे हुए थे रोडों पर। रोड था तो पक्का, उसमें मतलब ये अपना डाबर तो हुआ था, बट रोड की कंडीशन बहुत ख़राब थी यार। अभी तो हम चल पड़े हैं, चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं कपकोट के पास, यहाँ से कपकोट हम पास नहीं रहते हैं। आज से हम दिल्ली टू मुरादाबाद, रामपुर, देन
टनकपुर, टनकपुर से फिर पहाड़ स्टार्ट हो गए थे चंपावत, देन पिथौरागढ़ और फिर मुंशियारी। और अभी जो हमने रूट चुना है वो हमने चुना है जिसमें कि हम मैक्सिमम कवर करेंगे पहाड़। टाइम तो रहेगा ज़्यादा पर आएगा ज़्यादा मज़ा, क्योंकि पहाड़ों में व्यू मिलता है बहुत ही बढ़िया। देखो पहाड़ों में मैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इसे पहाड़ का अभिशाप भी कहा जाता है। अभिशाप इसलिए क्योंकि ये पेड़ मॉइस्चर को खींच लेता है ज़मीन से। अगर आप देखोगे जहाँ भी पेड़ है तो उसके आसपास आपको कोई भी पेड़ नहीं मिलेगा दूसरा। ये बिल्कुल उस एरिया के पानी को सोख लेते हैं। हाँ, और ये जो ये ब्राउन कलर की इनकी एक पत्तियाँ सी होती है, देखो पहले ग्रीन होती है, जब गिरती है तो ब्राउन होती है। और जंगल में जो आग लगती है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर को कैच करती है और फिसलन भी बहुत होती है इसके ऊपर अगर आप पैदल चल रहे हैं तो। स्मार्ट सबसे जो मेन इसका वो है कि पानी को बिल्कुल सोख लेती है, इसके आसपास आपको कोई पेड़ नहीं मिलेगा, पेड़ों को बिल्कुल नहीं परमने परमने देता अपने आसपास। तो कभी कहीं ऐसा आग लगी है, धुआं धुआं सा लग रहा है बहुत आग है शायद। बनना है अब क्या पता बनने के बाद उस स्लोप को का कुछ किया जाए, और फिलहाल तो अभी वो बिल्कुल भी मतलब उसमें लोडेड गाड़ी तो चढ़ ही नहीं सकती बिल्कुल। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत थोड़ी बना है, रोड भी थोड़ा ही है तो स्लोप का शायद क्या पता जब रोड पूरी तैयार हो तो उसका भी कुछ करें वो लोग। और दूसरा जो रास्ता है वो आता है थल से होते हुए, तो थल वाला रास्ता तो इतना पतला रास्ता है और कमजोर दिल वालों के लिए तो हैवी नहीं हो, उसमें एक साइड इतनी गहरी गहरी खाइयाँ दिखती है ना, अगर आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर तो ही वहाँ गाड़ी चला पाओगे। बसें आती हैं वहाँ, एक बस चलती है शायद, ओनली एक बस गवर्नमेंट की, और जो लोग के वहाँ के लोकल छोटी छोटी बसों को ही प्रेफर करते हैं। टूरिस्ट भी जो आते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर से आते हैं। अच्छा ये मुंशियारी लगा क्योंकि इसमें ना यार व्यू बहुत ही प्यारे हैं। तो यार ये देख लो पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट कपकोट, वो साथ में बहती है नीचे एक नदी और नदी के किनारे बसा हुआ है गांव कपकोट। कोई किसी को गाड़ी
गिरस्त अंदर जा रहा था शायद कम, नाश्ता और उनका वेट भी करना पड़ेगा दोस्तों का, देखते हैं कहीं बढ़िया अगर खाने वाला कुछ हो तो वहाँ रुकेंगे। मेन मार्केट है यार, अभी जस्ट पहुँचे तागुला। ये है तागुला का दृश्य, देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू है। वो कहेंगे दल रोज करो ईश्वर और ताकुला। और अब नेक्स्ट स्टॉप है अल्मोड़ा, जो कि अब ज़्यादा से 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह गया है। में जो सबसे मुश्किल काम है ओवरटेक करना, और खासकर वैसे बड़े बड़े ट्रकों के पीछे नहीं कर सकते। मोड़ है देखिए, ये होता पहाड़ पे अगर हमने थोड़ी सी अभी लापरवाही कर ली तो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। हाँ अभी हम चलेंगे थोड़ी देर से पीछे, थोड़ा सा आगे का जिसमें थोड़ा सा व्यू मिल जाए ना, खुला के नहीं आ रही है। और ये हमें ट्रक वाले ने दे दिया है पास, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और चल पड़ते हैं सीधे आगे के लिए। थोड़ा सा गर्मी अब पड़ने लगी है कि हम जैसे जैसे हम प्लेन्स को उतरेंगे नीचे की तरफ। ये ना कोई शरारती लोग ही होते हैं तो इस टाइप के काम करते हैं भाई। हम तो आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे काम बिल्कुल मत करो, पहाड़ों की सुंदरता बनाए रखो यार। देखिए ये तो ऐसा एरिया है जहाँ से हमको पूरी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वरना जानवरों से बचे ही कहाँ हैं।
से अपने को पता करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ को है। पीछे अपने दोस्त आ रहे हैं, तो उन लोगों को रूट पता है कि किधर को जाएंगे करके। किधर को जाना है, इधर को जाना है क्या? आगे को आगे पेट्रोल पंप इधर। ठीक है ठीक है, ये गरुड़ वाला रूट इधर ही आता आता है। बढ़िया बढ़िया, यहाँ पर शोरूम वगैरह भी है। और अलबड़ा का बाजार, तो आप देख रहे हैं बहुत सारा ट्रैफिक रहता है इधर। तो यह है अल्मोड़ा सिटी, बहुत ही प्यारी सिटी है। नीचे को अगर आप व्यू देखोगे तो बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है यहाँ से। बाइक सर्विसिंग सेंटर, तो यहाँ पर बहुत सारे बाइक्स वगैरह सर्विस भी हो रही है। मार्केट बहुत बड़ी है। ATM वगैरह, स्टोर वगैरह, और यह होटल प्लाजा। तो जब भी आप इधर से भी आप आते हैं ऊपर से नीचे को, यह है SBI का सेंटर। पेट्रोल पंप यह रहा, यह है अल्मोड़ा पेट्रोल पंप। तो 11 लीटर अपना भी भरा हुआ है, 1100 रुपये का। गौर से देखिए इसको, अल्मोड़ा की सबसे फेमस मिठाई की दुकान खिम सिंह मोहन सिंह रोतेला बाल मिठाई के प्रमुख निर्माता। तो यहाँ पर जो है हमेशा मिठाई के लिए ऐसी भीड़ लगी रहती है। सबसे फेमस मिठाई है यहाँ की बाल मिठाई, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, जिसे सबसे पुरानी दुकान और अभी भी सेम स्वाद वही है। चले कुछ ले लेते हैं। हाँ
दे देना भैया। तो भाई आधा घंटा लगने के बाद आधे घंटे में और तो यहाँ के तो यहाँ पर ऐसी भीड़ रहती है हमेशा 24 घंटे। अल्मोड़ा की सबसे फेमस मिठाई की दुकान। अल्मोड़ा का रूट कट जाता है तो अभी हम जिस रूट से आ रहे हैं वो अल्मोड़ा वाला रूट है और ये जो आपको इधर वाला रूट जो कट रहा है सामने ये है दानी खेती इधर। जाती होगा भाई